हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ चॉकलेट यू डिड नॉट लाइक। बड़ा सी अनयूजुअल सा और विचित्र टॉपिक है। यूजुअली ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को चॉकलेट पसंद होती है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको ऐसी कोई चॉकलेट जो पसंद नहीं आई उसके बारे में बात कीजिए। अंदर के क्यूज हैं, विच चॉकलेट वॉज इट, वेन डिड यू ईट और टेस्ट इट, हाउ डिड इट टेस्ट लाइक, एंड एक्सप्लेन वाई यू डिडंट लाइक इट। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई चॉकलेट को डिस्क्राइब कीजिए जो आपको पसंद नहीं आई थी, वो कौन सी चॉकलेट थी। सो आप उस चॉकलेट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, आपने इसे कब खाई थी, उसका स्वाद कैसा था। सो इट इज एसेंशियल दैट यू डिस्क्राइब द टेस्ट, यूज सम वोकैबुलरी रिलेटेड टू टेस्ट, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डिडंट लाइक इट, और क्या कारण था कि आपको ये चॉकलेट पसंद नहीं आई। आज हम बोलने वाले हैं कि हमने एक जगह पे एक बिटर डार्क चॉकलेट खाई। सो पीपल विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स विच दे डिडंट लाइक, बट ये सिंपल सा बिटर चॉकलेट है जो थोड़ी सी कड़वी होती है, बहुत ही पॉपुलर भी है मार्केट में, बहुत सारी ब्रांड्स इसे बेचती भी है। सो हम कहेंगे कि हमें ये जो कड़वी चॉकलेट थी वो पसंद नहीं आई। कब खाई हमने? लास्ट ईयर। एंड उसका स्वाद कैसा था? कड़वा था, अनप्लेजेंट था, पसंद ना आया ऐसा था। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चॉकलेट का स्वाद इतना कड़वा होगा। सो जब आपको स्क्रिबल करने का टाइम मिलेगा, आप जल्दी से पेपर पे ये चीज़ों को लिख के अपने थॉट्स को गैदर कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वार्टर से जुड़े गए जितने भी सारे नए क्यू कार्ड्स हैं उनको स्टडी करना है, वो सारे वीडियोस की लिंक नीचे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ये सारे वीडियोस कैटेगराइज किए हैं, और वहाँ पे आपको सारे नए वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। वेल, दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट आई कैन नॉट फॉरगेट एवर। ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। वन चॉकलेट दैट आई एट लास्ट ईयर एंड द वन विच आई वुड नेवर लाइक टू ईट अगेन इज बिटर डार्क चॉकलेट। सो एक ऐसी चॉकलेट जो मैंने पिछले साल खाई थी और मैं वापस कभी भी खाना नहीं चाहूंगा, वो है बिटर डार्क चॉकलेट। सो हमने यहाँ पे दो क्यूज आंसर कर दिए, चॉकलेट कौन सी थी और हमने कब खाई थी। आई डिसलाइक्ड इट कम्प्लीटली एंड स्टिल रिमेंबर द अनप्लीजेंट एंड एक्सट्रीमली बिटर टेस्ट दैट इट हैड। मुझे ये चॉकलेट जरा भी पसंद नहीं आई, और मुझे अभी भी उसका जो अनप्लेजेंट यानी पसंद नहीं आने वाला स्वाद और बहुत ही कड़वा स्वाद उसका था। हमने तीसरा क्यू भी आंसर कर दिया। वी हैड विजिटेड अवर फैमिली फ्रेंड्स एंड दे ट्रीटेड अस विद अ सुपर्ब एंड सम्प्टुअस डिनर। हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स के वहाँ गए थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और स्वादिष्ट भोजन खिलाया था। आई एन्जॉयड एवरी मॉर्सल ऑफ माई मील एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डेजर्ट। मैंने मेरा हर एक निवाला, मॉर्सल यानी निवाला, एन्जॉय किया, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि मीठे में क्या होगा, डेजर्ट में क्या होगा। दे सर्वड अस वेनाइला आइसक्रीम विद ब्राउनी एंड डार्क चॉकलेट। उन्होंने हमें वेनाइला आइसक्रीम के साथ डार्क चॉकलेट और ब्राउनी सर्व की। माई स्टमक वॉज फुल सो आई ओनली ऑप्टेड फॉर चॉकलेट एज आई हैव अ स्वीट टूथ। मेरा पेट भरा हुआ था तो मैंने सिर्फ चॉकलेट लिया क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। आई हैव अ स्वीट टूथ यानी मुझे मीठा खाना पसंद है। टू माई सरप्राइज इट टर्नड आउट टू बी अ डिजास्टर फॉर मी। सो मेरे सरप्राइज से ये एक डिजास्टर था मेरे लिए। आई कुड नॉट इवन टेल देम दैट आई डिड नॉट एन्जॉय इट, अदरवाइज दे वुड हैव फेल्ट बैड। मैं उनको बोल भी नहीं पाया कि मैंने ये चॉकलेट को ज़रा भी एन्जॉय नहीं किया, नहीं तो उनको बुरा लग जाता। डार्क चॉकलेट्स आर वेरी हेल्दी बिकॉज दे आर शुगर फ्री एंड रिच इन कोकोआ बीन्स। सो हम थोड़ा सा डार्क चॉकलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। डार्क चॉकलेट्स बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि वो शुगर फ्री होती है और कोकोआ बीन्स से भरपूर होती है। दे आर गुड स्ट्रेस बस्टर्स एंड आर फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स। सो ये अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स भी होते हैं और उनमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी भरे होते हैं। हावेवर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ न्यूट्रिशियस स्वीट डिश। लेकिन मैं वहाँ पे एक पौष्टिक स्वीट डिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वॉज रादर एक्सपेक्टिंग अ डिलीशियस वन। मुझे स्वादिष्ट स्वीट डिश खानी थी। द टेस्ट वॉज अनयूजुअल एंड द टेक्स्चर वॉज क्रीमी एंड स्मूथ। उसका जो स्वाद था वो बहुत ही विचित्र था, अनयूजुअल था, और उसका टेक्स्चर था जो चॉकलेट का वो क्रीमी था और स्मूथ था। आई डिड नॉट एन्जॉय द टेस्ट बिकॉज इट अपीयर्ड स्ट्रेंज टू माई टेस्ट बड्स एंड आई एम नॉट यूज टू इट। मैंने टेस्ट ज़रा भी एन्जॉय नहीं किया क्योंकि ये मेरे टेस्ट बड्स के लिए बहुत ही विचित्र था, स्ट्रेंज था, और मैं इससे आदि नहीं हूँ। एक्चुअली सम काइंड्स ऑफ फूड्स आर ग्रेजुअली एक्सेप्टेड एंड लाइक बाय अवर ब्रेन एंड वी नीड टू डेवलप द टेस्ट।
कुछ कुछ प्रकार के फूड्स ऐसे होते हैं जिसे हमारे ब्रेन धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं और हमें इनका स्वाद विकसित करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। डार्क चॉकलेट इज वन ऑफ देम। डार्क चॉकलेट उनमें से एक है। सिंस चाइल्डहुड वी आर यूज्ड टू ईटिंग चॉकलेट्स विच आर फुल ऑफ शुगर एंड नटी एंड देयरफॉर बिटर टेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड। बचपन से हम ऐसी चॉकलेट्स खाने के आदि है जो बहुत ही मीठी होती है, उनमें बहुत सारे नट्स होते हैं, इसीलिए जब कोई चॉकलेट का स्वाद कड़वा होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हम इसे स्वीकार नहीं सकते और हमने ऐसा स्वाद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। इट इज ऑल इन द माइंड बट वॉट वी ईट शुड गिव अस हैप्पीनेस। आई विल नेवर रिकमेंड दिस चॉकलेट टू एनीवन एंड विल नॉट ईट इवन इफ इट इज द लास्ट फूड ऑन अर्थ। ये सब मन में होता है लेकिन हम जो भी खाए उससे हमें आनंद मिलना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी किसी को ये चॉकलेट रिकमेंड नहीं करूंगा और अगर विश्व पे ये लास्ट फूड हुआ तो भी मैं इसे खाना पसंद नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है। इफ यस, गिव मी अ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट वन के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट टू के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस हैं और पार्ट थ्री के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड डायरेक्टली परचेज द बुक फ्रॉम मी। अगर आपको ये क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है, राइट टू मी अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।